सब्सक्राइब करें टेक्निकल हुसनैन सिद्धू चैनल और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक टेबल के प्रोग्राम की कोडिंग को। जो यूज़र है वो सिंपल एक वैल्यू को एंटर करे और होल टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ, अगर मैं 9 को एंटर करता हूँ तो जितना भी 9 का टेबल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। तो बहुत ही सिंपल कोडिंग है यार, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल ही सादा लफ्ज़ों में सिखा सकूँ, कोई तमहीद ना बांधूँ, किसी किस्म की मुश्किल वर्डिंग यूज़ ना करूँ, बल्कि बहुत ही सिंपल मेथड में बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ आपको ये कोडिंग सिखा सकूं, जिसके बाद आप भी सिंपली एक टेबल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और एक टेबल का प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, स्टे विद अस। मेरा नाम है हुसनैन, आप देख रहे हैं टेक्निकल हुसनैन सिद्धू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मज़ीद अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो टॉप है वहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को ऐड कर दिया है, जो कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाते हैं, सेकंड रो में दोस्तों हमने एक नेम स्पेस स्टैंडर्ड नेम स्पेस को ऐड कर दिया है। उसके बाद थर्ड रो पे आप देख सकते हैं कि हमने मेन फंक्शन को यूज़ किया है। मेन फंक्शन से पहले हमने कीवर्ड यूज़ किया वॉइड, वो इसलिए किया है कि क्योंकि अभी हमें रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, हमने एक ये सिंपल बेसिक प्रोग्राम बनाना है तो अभी हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हमने वॉइड का कीवर्ड यूज़ किया है कि हमें रिटर्न में अभी कुछ भी नहीं चाहिए। हम नीचे आ जाते हैं बॉडी की जानिब, तो बॉडी में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने सी आउट करवा दिया टेक्निकल हुसनैन सिद्धू, जो कि ऑप्शनल है, वो आप ना भी करवाएं खैर है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक इंटीजर बना दिया है टेबल का। दोस्तों इंटीजर का इंटीजर क्या होता है कि यहाँ पे अब जो है हम गिनती की जितनी भी वर्डिंग होती है वो ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 100, ऑन, ये सब कुछ हम इस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं सी इन का एक हमने यूज़ किया कीवर्ड, वो इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हम इनपुट ले सकें, क्योंकि अब हमने जो यूज़र है उसे कोई ना कोई इनपुट लेनी है। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके जो स्क्रीन है वो रुक गई है, ये सी इन की वजह से स्क्रीन दोस्तों यहाँ पे रुक गई है कि ये हमसे कह रहा है कि कोई ना कोई हमें यहाँ पर इनपुट दें। अब यहाँ से हम इसको इनपुट देते हैं तो आगे ये फर्दर जो है पूरे टेबल को जनरेट करता है। तो सी इन जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों इनपुट के लिए, और यहाँ पर आके जो प्रोग्राम की स्क्रीन होती है वो रुक जाती है। अब नीचे आ जाते हैं, सी आउट हमने इस्तेमाल किया, सी आउट दोस्तों होता है सी आउट किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, यानी स्क्रीन पे अगर हमने किसी चीज़ को शो करना है तो उसको हम सी आउट के ज़रिए शो करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने स्लैश एन का यूज़ किया और स्लैश टी का यूज़ किया है। स्लैश एन दोस्तों होता है न्यू लाइन के लिए, अगर आप कोई चीज़ न्यू लाइन पे चाहते हैं तो उसके लिए आप स्लैश एन का यूज़ करते हैं। हमने दो दफ़ा स्लैश एन लगाया कि टू लाइन जो है वो नीचे आ जाए। उसके बाद हमने स्लैश टी का यूज़ किया है, स्लैश टी दोस्तों हम यूज़ करते हैं टैब के लिए, टैब से मुराद के थोड़ी सी जो स्पेस है वो जो हमारा वर्ड है वो लेफ्ट की जानिब सॉरी राइट की तरफ जो थोड़ा सा मूव कर देता है, ये हम खुद सेट करते हैं कि कितनी स्पेस हमने अपने वर्ड को राइट की जानिब मूव करवाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस जितनी भी ये कमांड है इसको हमने डबल कोट्स में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो भी हम इसमें लिखेंगे वो एग्जैक्ट वैसे ही लिख देगा। इधर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ तो वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। आप देख सकते हैं टेबल ऑफ, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ से हमने इनपुट दिया है तो आप देख सकते हैं टेबल ऑफ 9, तो ये जो बिल्कुल सेम इट इज़ सेम एज इट इज़ प्रिंट हो गया है वो सी आउट में डबल कोट्स की वजह से हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगे हमने डबल कोट्स के अलावा टेबल लिखा है, ये हमने क्यों लिखा है कि जो भी सी इन में यूज़र एंटर करेगा वही वैल्यू हमने शो करवानी है सी आउट के थ्रू, ताकि लिखा हुआ आ जाए टेबल ऑफ ये। जैसे कि आप देख सकते हैं जब भी मैं इनपुट में वैल्यू चेंज करूं, लाइक अगर मैं इधर 10 एंटर करता हूं तो लिखा हुआ आता है टेबल ऑफ 10, अगर मैं इधर वैल्यू चेंज कर देता हूँ लाइक अगर मैं इधर लिख देता हूँ 7
तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है टेबल ऑफ सेवन। ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है? हमने जो सी आउट में टेबल की कमांड लिया दोस्तों, वो डबल कोट्स के अलावा लिया, यानी जो यूज़र एंटर करेगा वही चीज़ सी आउट यहाँ पर शो कर देगी। उसके बाद हमने दो स्लैशन लिए हैं, वो इसलिए लगाए हैं ताकि हमारा जो टेबल है वो दो लाइन नीचे से स्टार्ट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी आउट टेबल ऑफ नाइन के बाद ये दो लाइन छोड़ने के बाद हमारा जो टेबल है वो स्टार्ट हो रहा है। अब नीचे आ जाते हैं टेबल के जानिब। टेबल के पूरा बनाने के लिए हमने यहाँ पे फोर लूप लगाया है। लूप के बगैर तो टेबल नहीं बनना, क्योंकि एक चीज़ को हमने बार बार रिपीट करना, और रिपीटेशन के लिए हमें कोई ना कोई लूप यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा लूप यूज़ किया? फोर लूप। तो सबसे पहले आप लूप में देख सकते हैं कि हमने एक इंटीजर लिया आई, जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दिया वन। वन हमने इसलिए असाइन किया दोस्तों क्योंकि टेबल जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वन से होता है। तो हमें एक और इंटीजर चाहिए था वन, जिसके लिए हमने इंटीजर एक बना लिया आई, जो कि इक्वल है वन के। नेम कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी नेम यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशन हमने क्या लगाई है? जब तक जो आई है, यानी कि जो वन हमने लिया है, वो लेस देन या इक्वल है टेन के, यानी एक जो है वो दस से छोटा है या दस के बराबर है, तब तक उसमें क्या करते रहो फ्रेंड? तब तक उसमें इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से मुराद एक का इजाफा करते रहो। लाइक पहले वो स्टार्ट होगा वन से, देन वो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक जाएगा। टेन के बाद दोस्तों जब इसमें इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट के बाद ये इलेवन हो जाएगा, तो वो इधर आएगा लूप। यहाँ से वो देखेगा कि जो कंडीशन है वो हमारी गलत हो गई है, कंडीशन गलत होने की वजह से वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब नीचे देखते हैं, हमने सी आउट में स्लैश एन सबसे पहले करवा दिया ताकि जो न्यू लाइन है वो प्रोड्यूस हो जाए। उसके बाद जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि सी आउट में सबसे पहले हमने लिया टेबल, क्योंकि हमने जिसका भी टेबल जनरेट करना है वो वैल्यू हमें फर्स्ट पर चाहिए होती है। ये आप देख सकते हैं कि अगर मुझे किसी की टेबल की जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या चाहिए, जो मैंने यूज़र से लिया, तो वही वैल्यू हमें फ़र्स्ट पे चाहिए होती है। लाइक अगर हमने नाइन लिया तो नाइन 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 हमें फ़र्स्ट पे चाहिए होता है, इसलिए हमने फर्स्ट पे सी आउट में फर्स्ट में हमने सी आउट पे क्या करवा दिया है? टेबल करवा दिया। उसके बाद हमने डबल कोट्स में मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, देन हमने आई लिया। आई लेने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमने सबसे पहले उसको वन से मल्टीप्लाई करना है, फिर टू से करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो आई है उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी वन टू थ्री फोर टेन तक इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद हमने दोबारा डबल कोट्स में इक्वल का निशान लगा दिया। डबल कोट्स में क्यों लगाया? मैंने ऊपर आपको बता दिया कि सी आउट में अगर हम कोई भी चीज़ डबल कोट्स में दोस्तों लिखते हैं तो वो सेम एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, यानी इधर मैं जो कुछ भी ऐड करूँगा, जो भी लिखूँगा, वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ें सेम एज इट इज़ चाहिए, इसलिए हमने इनको डबल कोट्स में लिख दिया है, और एंड पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, एंड पे हमें दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये हमारा आ गया आई, सबसे पहले आई और मल्टीप्लाई हुआ टेबल से सिक्स। उसके बाद जो हमारी आई की वैल्यू है वो टू होगी इंक्रीमेंट के बाद, तो जो आई है वो मल्टीप्लाई हो गया टेबल से। टेबल में हमने क्या वैल्यू एंटर की? सिक्स। तो आई मल्टीप्लाई बाय टेबल तो हमारे पास ट्वेल्व। ऐसे आई की जो वैल्यू है वो लूप की वजह से, फोर लूप की वजह से इंक्रीमेंट होती जाएगी, और हमारा जो टेबल है दोस्तों वो आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होता जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने तो पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूँ। होप सो दोस्तों आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।